नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन है। सभी देशवासियों को हमारे चैनल की ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति के साथ रविवार भी है और रविवार की शाम कितनी रंगीन है वो आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इस समय हम मौजूद हैं वसई के सनसिटी ग्राउंड में। यहाँ पतंग महोत्सव मनाया जा रहा है। हर साल वसई अंतर्गत यंग स्टार ट्रस्ट की तरफ से पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वही पतंग महोत्सव आज यहाँ पर भी काफ़ी उत्साह से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, इसमें सभी लोग उत्साह से अपना पतंग महोत्सव मना रहे हैं। यहाँ अभी कुछ समय पहले वसई के प्रथम महापौर राजीव पाटिल आए थे और उन्होंने इस त्यौहार मकर संक्रांति की क्या प्रमुखता है, क्या विशेषता है, क्यों ये त्यौहार मनाया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दी। साथ ही साथ यहाँ उन्होंने पतंग उड़ाते समय चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं किया जाने की सलाह भी लोगों को दी। राजीव पाटिल ने क्या कुछ कहा वो आप आइए वीडियो में सुनेंगे। फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हजारों की तादाद में लोग हैं और यहाँ काफी उत्साह से यहाँ पतंग महोत्सव मनाया जा रहा है। ये पतंग महोत्सव हर साल यहाँ मनाया जाता है और इस साल भी ये पतंग महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। विरार के यंग ट्रस्ट द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम वसई में हर समाज, हर क्षेत्र के लोगों के साथ मनाए जाते हैं। वसई की यही विशेषता है कि वसई में हर एक त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। एक बार फिर जाते जाते इस त्यौहार की हम सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ हम भी आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें ताकि किसी पक्षी को, जानवर को या इंसान को किसी तरह की इजा न पहुंचे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वसई से यूसुफ अली। आज का दिन आपको मालूम है, आज के दिन सूर्य जो मकर राशि पे है वो मकर राशि से कर्क राशि के तरह वो झुकता है, इसे मकर संक्रमण कहा जाता है। एक्चुअली सूर्य कहाँ झुकता नहीं है, झुकती तो पृथ्वी है। पृथ्वी धीरे धीरे मकर राशि की तरफ जो जाती है, सूर्य जाता है दिखता है, उसके वजह से यहाँ पे ठंडी का मौसम हाईएस्ट, अभी धीरे धीरे गर्मी चालू हो जाएंगी। इस ठंडी के मौसम को कट करने के लिए तिलगुड़ खाना चाहिए। पतंग का जो उत्सव है वो सिखाता है कि हमारा पतंग जो जिसके हाथ में धागा रहता है वो नीचे रहता है, वो अपना गुरु रहता है और हम हवा में जब रहते हैं, पतंग जो रहती है वो जब तक उसके कंट्रोल में तब तक वो अच्छी तरह से वहाँ पे हवा में रहती है, ऊपर आसमान में रहती है। मगर एक बार गुरु के हाथ से अपना धागा टूट गया तो धीरे धीरे हम लोग जमीन पे आते हैं। इसीलिए ये पतंग महोत्सव का पतंग हमें ये सिखाता है, आपको ऊँचे जाना है और नीचे आपके गुरु के हाथ में आप रहिए। इतना ही मैं कह सकता हूँ और इस मकर संक्रमण का मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मैडम, आज पतंग महोत्सव मना रहे, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, इतने सारे पतंगों के बीच में कट रही है हमारी पतंग बार बार। आपने कितनी काटी लोगों की? हमने भी बहुत काटी सबकी। तो काफी उत्साह है? यस यस, बहुत उत्साह है। आपका नाम? ये फेस्टिवल हम गुजरातियों का बहुत फेमस फेस्टिवल है, हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ देखिए डॉक्टर साहब चला रहे, डॉक्टर साहब पतंग चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। सामान्य इंसान तो ठीक है, डॉक्टर साहब भी पतंग चढ़ा रहे, देखिए देख लीजिए देख लीजिए। पतंग दे भी नहीं रहे, देख लीजिए। अरे वो चाय स्पेशलिस्ट डॉक्टर। आपका नाम? अंकल, क्या कहना चाहेंगे आज पतंग महोत्सव में आप आए? पतंग उड़ाने की अद्भुत मजा है क्योंकि ये साल में एक दिन आता है और इसमें आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, तो पतंग उड़ाना चाहिए। यहाँ कैसा फील हो रहा है? अरे बहुत मज़ा आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। हर साल यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इस साल भी हो रहा है। हाँ। तो इसके आयोजकों को आप क्या कहना चाहेंगे? आयोजकों को थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, और बड़े अच्छी तरीके से आयोजन करते हैं, सबको हेल्प भी करते हैं, पतंग भी देते हैं, पतंग भी देते हैं। गुजरात का ऐसा मौज आ रहा है, गुजरात का जैसा मौज आ रहा है इधर। क्या कहोगे, कैसे फील हो रहा है? बहुत सही, बहुत सही। हाँ, एक नंबर। कितनी ऊंचाई तक जा रही है पतंग? बस ये आसमान को छू रही है, आसमान को छू रही है। क्या कहेंगे, कैसे आज के शुभकामना कैसे देंगे आप सभी को?
उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तिल गुड़ गया, गोड़ गोड़ बोला। आम्ही इकडे गेली 20 वर्ष झालं आम्ही मैदानावर येतो पतंग उडवण्यासाठी, आणि इकडे आपण बघू शकता की गुरुजन इकडे पतंग महोत्सव म्हणजे सेलिब्रेट करण्यासाठी आलेले आहेत, आणि आम्ही आमच्या लहान मुलांना आणि आमच्या म्हणजे वाईफ देखील इकडे आलेले सहपरिवार आम्ही सर्व इथे आलेलो आहोत। तर पतंग उडवताना आम्हाला खूप मजा येत आहे। एवढंच सांगेल मी की कोणीही म्हटले चायना मांजा वापरू नये, जेणेकरून हानी होते, पक्ष्यांना देखील होते। आधी बघू शकता आपण इकडे चायना मांजा इकडे पडलेला आहे, तो लहान मुलांना हानिकारक होतो आणि समाजातर्फे म्हणजे कोणालाही काही वाईट घटना होऊ नये असं मी सांगेल की कृपया करून कोणीही म्हणजे चायना मांजा वापरू नये। धन्यवाद। किती पतंग उडवले आज, कापल्या किती? आम्ही खूप सारे उडवले आणि कापले पण, कारण इकडे खूप सारी गर्दी आहे। म्हणजे आपण बघू शकता पतंग उडवताना आपण थोडा वरती गेला की लगेच आपली काटाकाटी लागते आणि पतंग आपला भूल होतो। आम्ही देखील दुसऱ्यांचे भूल केलेले आहेत। हवा पण खूप आहे आणि आयोजन इकडे गुजराती परिवारातर्फे केलेलं आहे। माननीय सौ प्रवीण हितेंद्रजी ठाकूर यांनी हा प्रोग्राम ऑर्गनाईज केलेला आहे, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानत आहोत। धन्यवाद। जय मकर संक्रांती। बोला बोला। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।